बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी एसर 3 नागरिक के कर्तव्य। तो चलिए पहला पैराग्राफ चलते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ हिंदी शिक्षक का मीन शिक्षक की मीना मैडम ने समुदाय भवन में पंद्रह दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजन किया है। कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रमों का यह आयोजन हुआ है। तो चैप्टर ये कह रहा है कि ये नागरिक के कर्तव्य क्या क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। तो गर्मी की छुट्टी प्रारंभ हो चुकी है, तो हिंदी शिक्षक की मीना मैडम ने 15 दिवस का कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जहाँ पे कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल्य, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रमों का इन्होंने आयोजन किया है। तो चलिए दूसरा कार्यक्रम चलते हैं। शुक्रवार का दिन आज का संभाषण कौशल विकास है। इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम का इंतज़ार प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो शुक्रवार का दिन आया गर्मियों की छुट्टियों में शुक्रवार का दिन आया, तो आज का टॉपिक है कौशल्य विकासन। इसमें भाग लेने के लिए छात्रों की बड़ी उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है, संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कार्य। तो मीना मैडम आकर बोर्ड पे लिखती है, आज का संभाषण का विषय है नागरिक का मूल कर्तव्य। तो सभी छात्रा एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं, मैं बोलूँगी। तो जब मीना मैडम लिखती है नागरिकों के मूल्य कर्तव्य, तो सब छात्र एक साथ हाथ उठा के बोलते हैं, हमें बोलना है, मैं बोलूँगी। तो चले उसके बाद मीना मैडम कहती है, ठहरो, एक एक करके पूछूंगी तब बताओ। तो मीना मैडम एक एक करके पूछूंगी तब बताओ कहती है अकुल। तो पहले अकुल बोलता है, मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहारों आदि का ये। तो अकुल बोलता है, मैडम, एक नागरिक की हैसियत मतलब उसके जो कर्तव्य है, हमें अपने उनके कर्तव्य से हमें अपने राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए, मतलब हमें उनका गौरव करना चाहिए, हम सबका ध्वज, राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय त्यौहारों का गौरव करना चाहिए। तो यहाँ अकुल बोलता है मीना मैडम से। मीना मैडम कहती है सही कहा सलमा, अब तुम बोलो। तो मीना मैडम होती है, सलमा अब तुम बोलो। तो सलमा बोलती है, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्रकृति का संसाधनों का अपव्यय करना चाहिए नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। तो
शर्मा कहते हैं कि प्रकृति को हमारी माता, प्रकृति भी हमारी माता है, इसलिए हमें उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और प्रकृति को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तो शर्मा के बाद मीना मैडम बोलती है, नीलिमा तुम क्या कहना चाहती हो? तो अब नीलिमा के बारे है, तो नीलिमा बोलती है, मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता का अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। बोलती है, मैडम देश के प्रति हमें गौरव का भाव रखना चाहिए और एवं देश की एकता, मतलब सब एक होना, एक समझना चाहिए। तो हमें सबको एकता और अखंडता का कायम रखना चाहिए, सबको एक समझना चाहिए। तो यहाँ नीलिमा बोलती है, तो मीना मैडम बोलते हैं, आप तुम्हारी विचार बिल्कुल सही है अनवर, तुम कुछ कहना कहने को उतावले दिख रहे हो। तो अब मीना मैडम बोलती है तुमने तुम्हारे विचार बिल्कुल ठीक सही है नीलिमा। तो अब अनवर मीना मैडम बोलते हैं, अनवर तुम बोलने के लिए उतावले दिख रहे हो। तो बोल दो। तो अब अनवर बोलता है, हाँ मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारा का भाव रखना और जाति धर्म भाषा प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। तो अब अनवर बोलता है, हाँ मैडम मैं उतावला हूँ, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें सबको एक समान देखना चाहिए, जाति धर्म भाषा का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सब लोग एक समान है, सब लोग भाईचारे के साथ रहना चाहिए, यह अनवर बोलता है। तो मीना मैडम बोलती है, सो फिस्ती सही बात अनवर। तो मीना मैडम बोलते हैं, अनवर तुमने सही कहा, कोई और कुछ कहना चाहता है? तो अनवर मैडम पूछते हैं, कोई और कुछ कहना चाहता है? तो जॉर्ज बोलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिकों का कर्तव्य होता है ना मैडम। तो अब जॉर्ज पूछता है, वैज्ञानिक दृष्टि और सुधार की भावना के विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना में हमें विकास करना चाहिए ना, ऐसा जॉर्ज मैडम से प्रश्न पूछता है। अब मीना मैडम बोलती है, हाँ जॉर्ज इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना सर्व। तो अब मीना मैडम बोलती है, हाँ जॉर्ज तुम सही कह रहे हो, इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से देश को उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्न करना भी हमारा देशवासियों का कर्तव्य है। तो अब स्टेला बोलती है, हमें अपना संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है, संविधान के नियमों का पालन भी करना है। तो अब स्टेला बोलती है कि हमें अपने संस्कृति और परंपरा को सम्मान करना चाहिए और संविधान के नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो बिंदु, धन्यवाद टीचर, आप हमें इतना कुछ समझाया। तो अब बिंदु बोलते हैं कि टीचर को धन्यवाद कि आपने हमें इतना कुछ समझाया। अब मीना मैडम बोलती है, आज के बच्चे कल के नागरिक है, विद्यार्थियों आज से नहीं अभी आप से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो, इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। तो अब मीना मैडम आखिर में बोलते हैं कि आज के बच्चे कल के नागरिक है, विद्यार्थियों आज से बोलती है नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करो, इससे आपका भी हित होगा और देश का भी
कल्याण होगा। तो यही है नागरिकों के कर्तव्य। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को एमएन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।